आज की सुपर स्मैकडाउन के शो में जो पॉल हेमन का हाल था वो कुछ इस तरीके से था कि तुझे भुलाना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आज हुए पूरे WWE के सुपर स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि एक बवाल शो था। एक बवाल शो के साथ साथ ये पूरा शो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, क्योंकि शो पर कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज एज की लग रहा है एक बार फिर से इंजरी वापस आ चुकी है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने उन्हें हरा दिया। प्लस शो के ऊपर खुशी वाली बात यह है कि लेजनर आए वापस, उन्होंने फाइनली माइक के ऊपर कुछ अपने शब्द कहे, और वही अपने पॉल हेमन ने भी गिरगिट की तरह बदल लिया रंग, क्योंकि वो आगे लेजनर के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सुपर स्मैकडाउन के शो की जो शुरुआत था ऑफकोर्स एक सुपर शो होनी थी, और आते शुरुआत में ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज जिमी और जे ऊसो के साथ में। वो आते रिंग के अंदर, वो बताते किस तरीके से वो पूरी WWE को चलाते हैं, पूरी जो ब्लड लाइन है वो WWE के अलावा न्यूयॉर्क सिटी मेडिसन स्क्वायर गार्डन को भी चलाती है, और जो रोमन रेंज कहेंगे वो आज शो के ऊपर होने वाला है। अचानक से वहां से थीम सॉन्ग बज पड़ता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर आते चारों तरफ से रिंग को हमें घेरते हुए नजर आते हैं, फिर वो आते हैं रिंग के अंदर। पॉल हेमन यह समझाते कि भाई मुझे एक बात बताओ कि WWE में और भी तो कितनी सारी टाइटल है, तुम यूनिवर्सल टाइटल के पीछे अकेले क्यों आ रहे हो। रोमन रेंस खड़े होते रिंग के बीचों बीच में, फिर यहाँ पर लेसनर थोड़ा सा माइक लेते पॉल हेमन की तरफ से, वो कहते हैं पॉल यार मुझे एक बात बताओ, तुमने रोमन को ये बात बताई क्यों नहीं कि मैं समर स्लैम में आने वाला, बल्कि तुम्हें ये बात पता थी। अब रोमन रेंस घूरने लग जाते पॉल हेमन की तरफ, लेजनर एक बेबी फेस की तरह साइड में खड़े एकदम मजे ले रहे होते दोनों के, कि भाई देखो दोनों के बीच मैंने लड़ाई डलवा दी। अब रोमन इस घूलते पॉल हेमन की तरफ, उनसे टाइटल छीन लेते हैं कि भाई ये टाइटल मेरी तो मुझे वापस दे दे, और फिर रोमन रेंस और दी यूसोस हमें रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। अब लेजनर हंसते पॉल हेमन को देख के, पॉल हेमन कहते भाई मेरी कोई गलती नहीं है यार, और पॉल हेमन माइक लेते हैं, वो कहते लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, और मैं हूं इतने सालों से एडवोकेट इस रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन हैवीवेट ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर का। और लेसनर एक बार फिर से उछलते हुए नजर आते हैं, फिर लेसनर कहते हैं यार ये तो पुराने टाइम वाला हाल हो गया ना, एकदम पुराने टाइम्स की तरह जिस तरीके से तू और मैं रिंग के अंदर किया करते थे। फिर लेसनर चैलेंज कर देते रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए, और गर्दन पकड़ लेते पॉल हेमन की, कहते उससे पहले कि रोमन तुझे फायर करे तुझे काम करना है, तुझे जो मेरा यूनिवर्सल टाइटल वाला चैलेंज था उसको करना पड़ेगा एक्सेप्ट, और जो मेरा और रोमन का मैच है तुझे ऑफिशियल करना पड़ेगा। पॉल हेमन कहते मैं कैसे कर लूंगा भाई, मैं कैसे कर लूंगा। लेसनर कहते देख तेरे पास 5 सेकंड है, फिर मत मुझे कहना। 5, 4, 3, 2 होने के बाद वो उठा लेते हैं पॉल हेमन को एक F5 की पोजीशन के अंदर, लेकिन ट्राइबल चीफ रिंग साइड पे होते हैं, आते रिंग के अंदर लगाते एक सुपरमैन पंच ब्रॉक लेसनर को, एक और सुपरमैन पंच लगाने चलते हैं, लेकिन लेसनर की तरफ से हो जाता है हमला, वो F5 देने चलते हैं रोमन रेंस को, रोमन रेंस बचते हैं, वो जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, उसको लगाते डबल सुपर किक, वो 3 बार लगाते डबल सुपर किक लेसनर को, लेकिन भाई लेसनर कहाँ गिरने वाले थे, लगाते डबल क्लोथ लाइन और सुप्लेक्स सिटी के चांस हो जाते हैं शुरू, क्योंकि आज आती है सुप्लेक्स सिटी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक F5 आता, और कुछ इस तरीके से लेसनर यहां एंड करते स्मैकडाउन का पहला सेगमेंट। रोमन रेंस पॉल हेमन जाते एक तरफ, पॉल हेमन एक बार फिर से टाइटल पकड़ाते रोमन को, रोमन कहते भाई अपने पास रख इसको, रख शांति से, और दोनों हमें बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। शो पर एक 10-मैन टैग टीम मैच होता है, सैमी ज़ेन, रॉबर्ट रूड, ज़िगलर, ओटिस, अपोलो क्रूज वर्सेस किंग नाकामुरा, रिक बूज, बिगी, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। एक्चुअल में सैमी ज़ेन यहां पर NBA के प्लेयर को लेकर आते हैं, जो कि एक्चुअल में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के जो NBA प्लेयर है उनका एक बहुत ही बड़ा राइवल होता है, इसलिए उन्हें यहां पर बूम मिलती है। वो बीच में रेमे स्टूडियो का मैच में अटैक करते हुए नजर आते हैं, रेफरी इस चीज को देखते सीधा उन्हें पेज देते पीछे, ऑडियंस इस चीज को देखकर काफी खुश होती है, और आखिर में बिगी लगाते हैं, बिग एंडिंग जीत हो जाती है बिगी की टीम की। फिर आता है भाई माइक यहां पर केला की तरफ से, पूछती है बिगी से कि अब तुम्हारे क्या प्लान्स होने वाले, तुम्हारे पास MITB का ब्रीफकेस है। बिगी कहते हैं मेरे प्लान्स बहुत ज्यादा बड़े होंगे, हो सकता है मैं आज शो पर एक बार फिर आऊं और मैं कैश इन कर दूं अपना मनी इन द बैंक, हो सकता है मैं मंडे नाइट रॉ में जाऊं वहां कैश इन कर दूं अपना मनी इन द बैंक, तो चीजें बहुत सी पॉसिबल अभी जरूर है। इसके बाद शो के ऊपर होती है स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, रिंग के अंदर होते हैं एडम पियर्स, सोनिया डेविल बीच में पड़ा होता है कॉन्ट्रैक्ट, और एंट्री होती है EST ऑफ WWE बियांका बेलेयर की। बियांका बेलेयर को काफी तगड़ा पॉप मिलता है, वो आती है रिंग के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है साइन, वो कहती है कि इस तरीके से वो जल्दी हार गई थी बेकी लिंच से, लेकिन इस बार फाइनली उनका एक अच्छा आमना सामना होगा, और वहां पर एक बार फिर से
जीतने वाली बियांका बेलेयर। वहां से बेकी लिंच आती हुई नजर आती है। बेकी लिंच आज कोट वगैरह पहन के आती है अपने ड्रिप किंग सेथ रॉलिंस की तरह। वो आती है रिंग के बीचों बीच में तगड़ा सा चश्मा लगा के कूल डूड वाला, और वो रिंग के अंदर आते हुए कहती है मेरा मन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। अच्छा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती एडम पियर्स तुम क्या कर लोगे मेरे साथ, सोने डेविल तुम क्या कर लोगे मेरे साथ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली नहीं हूँ। एडम पियर्स कहते हैं भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। फिर जो क्राउड है वो चिल्लाने लग जाती है कि साइन इट। बेकी लिंच कहती है मैं अपनी छोटी बेटी को घर पर छोड़ के आई और तुम लोग मेरे खिलाफ यहाँ भड़क रहे हो, इससे अच्छा मैं घर पर ही रहती, तुम लोगों के कारण मैं वापस आए और अब तुम ESTOWW के चैंट लगा रहे हो। इससे पहले तुम लोग शोज के ऊपर मैंने खुद सुना था तुम लोग बेकी बेकी के चैंट्स कर रहे थे। लेकिन बेकी लिंच काफी फ्रस्ट्रेट होती है और फाइनली हमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करती हुई नजर आती है। कॉन्ट्रैक्ट उठाती है और सीधा वो मार देती है इस बार बियांका बेलेयर के चेहरे के ऊपर, और वो यहाँ से हमें रिंग को एस्केप करती हुई नजर आती है। अब होता है इस बार मैच एज वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच में। एज को काफी कमाल का पॉप मिलता है। ये मैच समर स्लैम जैसा ही मैच था, बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है। सेथ रॉलिंस पेडिग्री देने का ट्राई करते हैं लेकिन एज लगा देते हैं अपनी पेडिग्री सेथ रॉलिंस को। काफी बार एग्जीक्यूशन पड़ता है, बेथ फिनिक्स का फिनिशर पड़ता है एज को, लेकिन किसी तरीके से एज कर जाते हैं किक आउट। एक बार फिर से एज अपने एग्जीक्यूशन देते हैं, वो स्पीयर लगाते हैं मैच में, जब वो स्टॉर्म का करते हैं डॉच लेकिन सेथ रॉलिंस स्टिल करते हैं किक आउट। मैच की एंडिंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि सेथ रॉलिंस लगातार सुपर किक लगाते हैं एज के चेहरे के ऊपर और एज पूरे तरीके से स्टन होते हैं। क्राउड यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाता है। सेथ रॉलिंस लगातार चेहरे पे लात मारते हैं एज के, आखिर में एक स्टॉम्प लगाते हैं, विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन एज वहां पे हिलते नहीं रिंग के बीचों बीच में, रेफरी बुलाते पीछे से मेडिकल स्टाफ को। सेथ रॉलिंस काफी हैरान होते हैं कि उनके हाथ से एक्चुअल में हो क्या गया, उनको खुद इस चीज का आइडिया नहीं था। लेकिन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। एज को स्ट्रेचर पर बैक स्टेज के ऊपर ले जाया जाता है। सेथ रॉलिंस काफी कंफ्यूज होते हैं। हम लोग जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, एज को पहुंचा दिया जाता है हॉस्पिटल। सेथ रॉलिंस से पूछा जाता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपने लग ऐसा रहा कि एज का करियर एक बार फिर खत्म कर दिया। सेथ रॉलिंस कहते हैं अभी फिलहाल मैं कोई भी चीज फील नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या फील करना चाहिए, मुझे गिल्टी फील होना चाहिए या फिर मैं यहां पर अफसोस बैठ के मनाऊं मैंने क्या कर दिया, लेकिन देखो मुझे भी फिलहाल कोई भी चीजें फील नहीं हो रही है। इसके बाद ऑफ कोर्स मेन इवेंट के अंदर होता है स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल का मैच। डीमन फिन बैलर की वापसी होती है, रोमन रेंज चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या चीजें होती है, इससे पहले आपको चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, वो जाके देख लेना, पूरा मेन इवेंट वाला सिनेरियो आपको पता लग जाएगा। और ये था सुपर स्मैकडाउन का शो। मैं इसे 5 स्टार में से 100 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आई मीन सीरियसली मुझे लगा 2 घंटे कब बीते, ये तो 20 मिनट की तरह थे। शो शुरुआत से लेकर आखिर तक काफी कमाल का था, एक रोलर कोस्टर शो था। कैसा लगा आपको शो कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और भाई आज की जो वाली वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन, ताकि आने वाले टाइम में आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।